Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we are going to study the question answers of 10th Standard Geography, Chapter number 8, Economy and Occupations. Students, previous class mein apne occupation kya hota hai, trade, economic development, international trade, etc. study kiya hua hai. So, is chapter mein bhi hum dekhne wale hain ki India aur Brazil mein alag alag types ke trade और ऑक्यूपेशंस क्या हैं एज कम्पेयर टू यूएसए. सो इंडिया और ब्राज़ील डेवलपिंग नेशंस हैं. यूएसए हमने इसलिए एज एन एग्जांपल लिया है बिकॉज वो एक डेवलप्ड नेशन है. सो फर्स्ट हम देखेंगे समराइज्ड नोट्स, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. कि 10th स्टैंडर्ड के बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, तो एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें चैनल का और जाकर वो सारे वीडियोस भी देखें स्टूडेंट्स. Now let's go through the question answers. मैं थोड़ा zoom out करके आपको question answers दिखा देता हूँ ताकि आप left hand side के questions और right hand side के answers को easily देख कर fill out कर सकें answers, and हम brief answers को और give reasons को discuss करने वाले हैं. Meanwhile आप जाकर like button को hit करें, channel को subscribe करें एंड कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके आपके और भी एजुकेशनल डिमांड्स के बारे में बताएं, सो दैट वी कैन मेक वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स. हम आपको कमेंट सेक्शन में भी आंसर्स प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स. 2 to 3 मार्क्स का गिव रीजन आता है आपको इस चैप्टर में से. फर्स्ट क्वेश्चन है, पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी इज मोर इन ब्राज़ील एज कम्पेयर टू इंडिया. सो इसका नियर अबाउट रीज़न ये है कि ब्राज़ील के पास लैंड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया. ब्राज़ील का जो पॉपुलेशन है इंडिया से काफ़ी कम है, 20 करोड़ है, वेर एज इंडिया में टोटल पॉपुलेशन 130 करोड़ है, जो कि ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया में रिसोर्सेज पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी द ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स विच विल यूजुअली कम फॉर 4 मार्क्स इन योर एग्जाम्स. व्हाई माइनिंग इज नॉट डेवलप्ड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील. सो इसका रीज़न है कि ब्राज़ील में वेस्टर्न पार्ट में मिनरल डिपॉजिट्स कम हैं. ज़्यादातर ब्राज़ील का वेस्टर्न पार्ट अमेज़न रिवर बेसिन से कवर्ड है. एवरग्रीन डेंस रेन फॉरेस्ट इस एरिया में ज़्यादा है. अब ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट वो एरिया काफ़ी इनएक्सेसिबल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ रोड या फिर रेलवे लाइन्स नहीं हैं, एंड नेचुरल लिमिटेशंस भी आ जाते हैं लैंड यूज़ करने में, जिससे वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं. अगर हम बात करें ह्यूमन सेटलमेंट की, तो वेस्टर्न पार्ट में बहुत ही कम है ब्राज़ील में ह्यूमन सेटलमेंट, एंड मिनरल्स की डिमांड भी इसलिए काफ़ी कम होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. 2 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, March 2019 एंड September 2021 में, कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंस क्या है फिशिंग एक्टिविटी में इंडिया और ब्राज़ील में. तो सिमिलैरिटी यह है कि दोनों जगह पर फिशिंग को प्रैक्टिस किया जाता है बिकॉज इंडिया और ब्राज़ील दोनों भी कोस्टल लाइन से कवर्ड है. फिशिंग दोनों जगह पर भी काफ़ी लार्ज स्केल में कैरिड आउट होती है बिकॉज सॉल्टी वाटर आसपास अवेलेबल है, रिवर्स हैं दोनों कंट्रीज़ में. डिफरेंस ये है कि फ्रेश वाटर फिशिंग इंडिया में जैसे कि रिवर्स से, कैनल से, टैंक पॉन्ड लेक से ज़्यादा होता है. ऑन द अदर हैंड ब्राज़ील में फ्रेश वाटर फिशिंग बहुत ही कम होता है क्योंकि वहाँ के जो टोपोग्राफी है वो
काफ़ी रिजिड है, डेंस फॉरेस्ट है बहुत सारे जगह पर, एंड रिवर में काफ़ी स्पीडी डिस्चार्ज होता है, रिवर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा रिवर्स में जो ग्रासेस होते हैं वो ब्राज़ील में काफ़ी लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से फ़िशिंग इफ़ेक्ट होता है। इंडिया में ज़्यादातर फेवरेबल क्लाइमेट है फिशेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, मैं जस्ट इसको स्लाइड अप करता हूँ, आप क्वेश्चंस को देखते जाएं एंड वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर्स लिखते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ अबाउट एग्रीकल्चर इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का जो हाईलैंड्स है और कोस्टल रीजन है वहाँ ज़्यादातर एग्रीकल्चर होता है। वहाँ का क्लाइमेट और टोपोग्राफी जो है वो काफ़ी मॉडरेट है रेनफॉल के लिए, तो क्रॉप्स ज़्यादातर हाईलैंड्स में ही होते हैं। सीरियल क्रॉप्स जैसे कि राइस, मेज और कमर्शियल क्रॉप जैसे कि कॉफ़ी, कोका, रबर, सोयाबीन, शुगर केन, ये ब्राज़ील में लार्जली प्रोड्यूस किया जाता है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस और अदर सिट्रस फ्रूट्स भी ब्राज़ील में प्रोड्यूस होते हैं। ब्राज़ील लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉफ़ी का। प्रीवियस चैप्टर में देखा है कि ब्राज़ील को कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैं जस्ट इसको स्लाइड अप करता हूँ, आप क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करते जाएं। इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील हैज़ माइनिंग एक्टिविटी नॉट डेवलप्ड, वॉट कुड बी द रीज़न। सो नॉर्दर्न पार्ट में माइनिंग एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है नॉर्दर्न पार्ट में। अमेजॉन रिवर बेसिन की वजह से और डेंस फॉरेस्ट की वजह से एरियाज इनएक्सेसिबल हो जाता है, उसको एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी काफ़ी पुअर है उस रीजन में, जिसकी वजह से माइनिंग करना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है। कंसिडरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वेयर हैज़ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑकर्ड। सो आयर्न ओर ब्राज़ील के सेंट्रल रीजन में मिलता है, बॉक्साइट नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, कोल का डिपॉजिट साउथ मोस्ट रीजन में है। सो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ ऑकर्ड इन सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इंडिया के बारे में कि एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन कैसा है। सो एग्रीकल्चर इंडिया का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी लोग एग्रीकल्चर को एज ऑक्यूपेशन फॉलोअप करते हैं। नियर अबाउट 60% लैंड इंडिया में कल्टिवेबल है, कल्टिवेशन वहाँ हो सकता है। एज़ कंपेयर टू ब्राज़ील, इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्ट हाई है एंड अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। इसके फैक्टर्स क्या हैं जो प्रमोट करते हैं एग्रीकल्चर को? हमारे यहाँ पर प्लेन्स ज़्यादा हैं, यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छा है जिसमें एग्रीकल्चर हो सकता है। सॉइल काफ़ी फर्टाइल है, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन्स हैं, मॉडरेट रेनफॉल है हमारे पास और क्लाइमेट में भी काफ़ी वैरायटी है। मेन क्रॉप्स इंडिया में राइस, वीट, मेज ग्रो किया जाता है, टी, कॉफ़ी, कॉटन, रबर, जूट, कैश क्रॉप्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी लार्ज स्केल में ग्रो होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो स्पाइसेस, मैंगोज, ग्रेप, एप्पल्स और वेजिटेबल्स इंडिया दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। सो ये सारे फीचर्स हैं इंडिया में एग्रीकल्चर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है रिगार्डिंग फिशिंग इन इंडिया, सो ये क्वेश्चन को आप लोग देख लो एंड अपने बुक्स में कॉपी डाउन करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनिंग ऑक्यूपेशन के बारे में इंडिया में। देन क्वेश्चन नंबर 9, हमें मैप को स्टडी करना है। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 53 पे फिगर 8.3
को हमको स्टडी करना है और इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। सो एक बार आप टेक्स्ट बुक में उस फिगर को गो थ्रू करें एंड फिर क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज अ टेबल जिसको हम कंप्लीट करना है। फर्स्ट है फूड क्रॉप्स, राइस एंड कॉर्न। ब्राज़ील में कहाँ ग्रो होता है वो हमें बताना है। कैश क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डिफरेंट कौन से एरियाज़ में प्रोड्यूस होता है वो सारे हमको इसमें पॉइंट आउट करके लिखना है। मोस्टली ऑब्जेक्टिव्स में आपको आ सकता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर को स्टडी करना है एंड क्वेश्चन आंसर्स फिल आउट करने हैं। सो आई एम जस्ट स्लाइडिंग इट अप। बेसिकली आपके एग्ज़ाम में आपको ये सारे फिगर्स दिए जाते हैं एंड फिर इस पे बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एल्स मैप का क्वेश्चन आता है। स्टडी द ग्राफ फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 52, 1 marks। पेज नंबर 56, लेट्स रिकॉल सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इसे एनालाइज करना है शॉर्ट में। बेसिकली इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र है स्टूडेंट्स, ये जैसा कि आप इंग्लिश में राइटिंग स्किल में करते हो। सो आपको ये ग्राफ को पढ़ के इंटरप्रेट करना है और पैराग्राफ फॉर्म में, यानी कि आपको इसे वर्ड डायग्राम से वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखना है समझाते हुए। आप चाहें तो इंग्लिश राइटिंग स्किल का भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं जिसमें हम एक टाइटल देते हैं और फिर पैराग्राफ में अपने डेटा को इंटरप्रेट करके एक्सप्लेन करके लिखा जाता है। पेज नंबर 58, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों जब एक बराबर होता है उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। टाइप्स क्या हैं बैलेंस ट्रेड के, तो बैलेंस ट्रेड है और अनबैलेंस ट्रेड होता है। जुलाई में ये क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स। विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्टैटिस्टिकल डेटा प्रिपेयर अ मल्टीपल लाइन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये डेटा यूज़ करके हमें एक ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल ग्राफ बार बनाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, आपके बुक में मल्टीपल लाइन ग्राफ यूज़ किया हुआ है। सो एक बार हम टेबल के यहाँ समझ लेंगे कि हमें ग्राफ कैसे प्लान करके चलना है। फर्स्ट हम बनाएंगे x एक्सिस एंड देन y एक्सिस। y एक्सिस पे हम अमाउंट लिखते हैं, मेजरमेंट लिखते हैं एंड x एक्सिस पे हम लिखेंगे ये सारे ईयर्स एंड देन डिपेंडिंग ऑन द मेजरमेंट हम जस्ट इंडिया के लिए डॉट कर देंगे एंड ब्राज़ील के लिए भी डॉट कर देंगे। फिर लाइन के एंडिंग में हम बता देंगे कि कौन सा लाइन किस कंट्री के डेटा को रिप्रेजेंट करता है। एज यू कैन सी ओवर हियर द आंसर इज़ प्रोवाइडेड। सो आप चाहे तो सेम को कॉपी डाउन कर सकते हैं। थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे वीडियो क्लियर ना दिख रहा हो सो आप रेजोल्यूशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर ले अपने सेटिंग्स में से, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन क्लियरली दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको एक मैप दिया हुआ है, ये मैप को स्टडी करके आपको शो करना है कि कहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि जवा, वीट एंड राइस। सो यहाँ अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो दे हैव मेड सिंबल्स
इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल इन मेकिंग सिम्बल्स तो आप इंडेक्स में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। आप चाहें तो ज्वार के लिए शेडिंग कर सकते हैं, वीट के लिए डॉटेड लाइंस बना सकते हैं एंड राइस के लिए भी लाइंस बना सकते हैं, और एल्स आप सिम्बल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिम्बल। जस्ट आपको इंडेक्स में उसे बताना होता है कि आप कौन से डेटा के लिए कौन से सिम्बल यूज़ करने वाले हैं। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सेम है, मिलता जुलता है, जिसमें आपको कॉटन, शुगर केन, टी एंड एप्पल के प्रोडक्शन के बारे में बताना है। सो हियर इज द इंफॉर्मेशन, इंडिया के मैप पे आपको टिक करना होगा। सेम क्वेश्चंस ब्राज़ील के लिए भी हैं, तो कुछ इसी तरीके का हम ब्राज़ील के लिए भी इंफॉर्मेशन यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ओपन एंडेड क्वेश्चंस मोस्टली यू गेट एज प्रोजेक्ट, सो आप यहाँ से अपने प्रोजेक्ट्स को भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। देन इज एक्टिविटीज़, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, आप इसे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड थोड़ा और नॉलेज अगर आपको गेन करना होगा तो आप इंटरनेट पर जाके ट्रेड के बारे में, इंडिया एंड ब्राज़ील के बारे में सर्च करके पढ़ सकते हैं। नाउ कमिंग टू आर लास्ट सेक्शन, दैट इज़ मेमोरी मैप्स। सो ये की पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करना है रिविजन के टाइम पे, ये सारे की पॉइंट्स आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। दिस वॉज इट अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 8। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिसिंग लगे या समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उसके ऊपर दूसरा वीडियो या फिर आपको कमेंट सेक्शन में ही आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल स्टे विद द चैनल, कीप योर सपोर्ट विद अस, लाइक आवर वीडियोस, ऑल्सो चेक द प्लेलिस्ट, एंड एट लास्ट स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।